नमस्कार, मैं हूं अमित और गैजेट फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो F7, वीवो V9 और रेडमी नोट 5 प्रो के बीच में, और देखते हैं कि कौन से फोन का परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें तीनों ही फोन के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता दें ओप्पो F7 में यूज़ किया गया है MediaTek का Helio P60 चिपसेट, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है और काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। अगर हम बात करें Vivo की V9 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon का 626 चिपसेट, जो कि थोड़ा सा पुराना चिपसेट हो चुका है और काम करता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। और अगर हम बात करते हैं Redmi Note 5 Pro की, तो यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon का लेटेस्ट चिपसेट, जो कि है Snapdragon 636, और ये भी काम करता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों ही फ़ोन में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। स्पीड टेस्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये तीनों ही फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हैं 4GB रैम के साथ में। तो चलिए स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहले तीनों ही फ़ोन को बूट करके। तो बूटिंग टाइम में बना रहा ओप्पो F7, जो कि सबसे पहले बूट हुआ, और उसके बाद था वीवो का V9, और लास्ट रहा Redmi Note 5 Pro। चलिए करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि वहां पे हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन तीनों ही फोन के बीच में, और आप देख सकते हैं तीनों ही फोन के फाइनल स्कोर। विनर रहा Redmi Note 5 Pro, जिसने कि टोटल टाइम लिया 2 मिनट्स एंड 9 सेकंड का। और अगर हम बात करते हैं ओप्पो F7 की, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉन्च टाइम बहुत अच्छा देखने को मिला, लेकिन रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, इसीलिए बैकग्राउंड में एप्लीकेशन स्टॉप हो गई थी और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे गिरा Redmi Note 5 Pro से। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं आगे के ऐसे और वीडियोस देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।